केमिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की चीज़ होती है गाइस। केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर से अगर अपन दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है, और वो नई चीज़ उन दोनों पहले वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग होती है, यानी कि उसके गुण उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही कमाल की होती है। सो गाइस आज एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, मैंगनीज हेप्टोक्साइड, जिसे हम नो टची केमिकल भी कहते हैं। सो गाइस शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपने हाथ को काटेंगे तो उसके अंदर से ब्लड आएगा और हमें दर्द भी होगा, लेकिन इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अगर हम अपने हाथ को सच में काट के देखें तो वह हमारी बेवकूफ़ी होगी। सो गाइज इसी तरीके से ये वीडियो भी सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है, तो प्लीज़ यार ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश या फिर कहीं और करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसके लिए हम हैं ना। ऑलराइट गाइज, तो मेरे पास है यहाँ पर दो केमिकल्स। पहला है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम तेजाब भी बोलते हैं, और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। और गाइस जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नई कमाल की चीज़ निकल कर सामने आती है, जिसे हम कहते हैं मैंगनीज हेप्टोक्साइड। और गाइस मैंगनीज हेप्टोक्साइड बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, जिसे हम नो टची केमिकल भी कह सकते हैं, यानी कि अगर इसके संपर्क में कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ आती है तो ये उसके साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ में। ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि मेरे हाथ हो गए, ये ग्लव्स हो गए, पोटैटो चिप्स हो गई, पेन हो गया, मेरे बाल हो गए, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें। इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि ये कांच हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, लोहा हो गया, तो ये इनऑर्गेनिक चीज़ों के साथ में तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ऑर्गेनिक चीजों के साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इन दोनों को मिक्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का होता है मैंगनीज हेप्टोक्साइड। ऑलराइट गाइस, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट इस डिस्क के अंदर निकालते हैं। आई थिंक इतना काफी है, और अब इसके अंदर डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल जरा सी मात्रा के अंदर, और काफ़ी सावधानी के साथ में। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ ताकि अगर कुछ गलत होता है तो इससे हमें कोई भी नुकसान ना हो। ऑल राइट गाइस, तो अब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये ग्रीन कलर का हो चुका है, और ये जो ग्रीन ग्रीन चीज है इसी को कहते हैं मैंगनीज हेप्टोक्साइड। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब इसके साथ में मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता हूँ, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों को इसके साथ में रिएक्ट करा के देखते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन गाइस ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, अगर हवा में से उड़ता हुआ कोई तिनका भी हमारे डिस्क के अंदर गिर जाता है तो इससे भी हमारा काम बिगड़ सकता है, तो हमें इस चीज़ को किसी सेफ इन्वायरमेंट के अंदर ट्राई करना होगा। तो गाइज इसके लिए ये पोटैटो चिप्स कैसी रहेगी, तो चलिए इस पोटैटो चिप्स को इस चीज़ के साथ में रिएक्ट करा के देखते हैं। तो गाइस देखा आपने, इसीलिए हम इस चीज़ को नो टची केमिकल कहते हैं। ये सॉलिड ही नहीं बल्कि लिक्विड ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ में भी इसी तरीके के साथ में रिएक्ट करता है, तो मैंने इसे सिंपली अल्कोहल के साथ में भी रिएक्ट करा के देखा और रिजल्ट आपके सामने है।
तो गाइस देखा आपने कितनी कमाल की चीज है यार, मतलब दुनिया की कोई भी ऑर्गेनिक चीज अगर इसके साथ में टच में आती है तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।